थैंक यू एवरीवन। अब आप सोच रहे होंगे कि रोज तो हेलो एवरीवन बोलता है, आज थैंक यू एवरीवन कहाँ से बोल दिया? अरे तो क्या हो गया, थैंक यू पच नहीं रह गया? वैसे ये थैंक यू आप लोग डिजर्व करते हो। और आज का वीडियो कोई स्टडी मटेरियल पे नहीं है, कोई टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि आज का वीडियो स्पेशली आप लोग को थैंक्स बोलने के लिए बनाया गया है। और आज का वीडियो इसलिए है बिकॉज एक छोटी सी खुशी है, एक छोटी सी सफलता जो प्राप्त हुई है हमें, इसलिए आप लोग को थैंक्स बोलना चाहें। एग्जैक्टली हमारा जो YouTube फैमिली है वो 10,000 का पहुंच गया है, यानी हमारा सब्सक्राइबर्स जो है 10K का हो गया है, और ये आप लोगों के कारण ही हो पाया है, इसलिए आप लोग को थैंक्स बोलना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप लोग लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी दूसरे स्टूडेंट की मदद कर सकता है तो आप उसको शेयर करें। आप अपने उस फ्रेंड को, अपने जो भी आपके सर्कल में रहने वाले छात्र हैं उसको ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी कुछ मदद इससे मिल सके। और लगातार आप अपने स्टडी पे फोकस किए रहें, लगातार अपने स्टडी पे आप बने रहें और कोशिश करते रहें कि जब भी फ़ोन छुए, जब भी मोबाइल उठाएं तो हम ऐसे कंटेंट ही देखें, ऐसे वीडियोज ही देखें जिस जो हमारे स्टडी में ज़्यादा सहायक हो। हाँ, जब जहाँ तक इंटरटेनमेंट की बात है वहाँ आप थोड़ा बहुत देर कोई मूवीज़ वगैरह या एनीथिंग बस एक लिमिट के अंदर आप देख सकते हैं। आप अगर सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ें हैं उसका आप एक लिमिट में यूज करें ताकि वो आप पे हावी ना रहे। व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम हम लोग अपने कंट्रोल में रखें कि जब हमारा मन किया तब हम थोड़ा सा उसका यूज़ किए और उसके बाद तुरंत हम अपने आप को स्टडी पे ला दिए। अगर व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम ज़्यादा डूब जाएंगे, अगर ये सारा जो सोशल मीडिया जो इंटरटेनमेंट का जरिया बन गया वो जब हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो फिर हमारा स्टडी जो है उससे बहुत डिस्टर्ब होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इन सारे जो सोर्स है सोशल मीडिया का उसका यूज एक लिमिट के ही अंदर करें, जहाँ तक उसका मतलब हमारे लिए ज़रूरी है वहीं तक उसका इस्तेमाल करें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। और ऐसा कभी ना सोचें, बहुत मतलब ज़्यादातर लड़के या लड़कियाँ जो है इस कारण से ज़्यादा देर तक व्हाट्सअप पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे एक्टिव रहते हैं कि भाई हम किसी का वेट कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर हम उसका वेट ना करेंगे, अगर उसके लिए हम टाइम ना दें तो फिर हमसे वो बात नहीं करेगा या हमारा उसका जो रिलेशनशिप है टूट जाएगा। ऐसा कुछ भी ना सोचें आप, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पढ़ाई है। इसलिए दो पंक्ति हम आपको सुनाना चाहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा ज़रा इस पे। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस ज़माने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस ज़माने की। खुद को बना ले तू इस काबिल कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की। तो अब इस पंक्ति पे हमेशा आप इस पंक्ति को ध्यान में रखेंगे और हमेशा सोचेंगे कि दूसरों का इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरों के लिए सोशल मीडिया पर उतना ज़्यादा देर तक एक्टिव रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने स्टडी पे उतना देर एक्टिव रहे, वो जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके पास ज़रूर चल के आएगा अगर आप सफल होंगे तो। सफलता ही आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, आपके स्टडी के क्षेत्र में जो सफलता आपको मिलेगी वहीं आपको हर एक खुशी, वहीं आपको हर एक मुकाम तक पहुँचाएगी। तो आज की इस वीडियो का मकसद यही था आप सबसे बताना, और एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे और आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ये केवल मेरा ही नहीं, आप सबका YouTube चैनल है, और कोशिश करें कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसके कंटेंट को अधिक से अधिक लोग देखें ताकि बहुत जल्द ही 10,000 जो है उस पर एक और 0 बैठ सके। चले, धन्यवाद अगेन एंड गुड बाय।